चाह लो तो बड़ी से बड़ी सियासत को हिला सकते हो, कलम की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, पत्रिका के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत मैंने कलम से की। इसकी एक बड़ी वजह भी है, साहित्य प्रेमी तो समझ भी गए होंगे। तो बता दूं दोस्तों, गुलाबी नगरी आज से साहित्य के रंग में रंग गई है, क्योंकि आज साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हो गया है। 5 दिवसीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज संगीत में आगाज हुआ। कर्नाटक की गायिका सुषमा सोम की दिल को छू लेने वाली मधुर संगीतमय प्रस्तुति के साथ फेस्टिवल की शुरुआत हुई। बड़ी संख्या में साहित्य के कद्रदान सर्दियों की इस खुशनुमा सुबह के साक्षी बने। इस साल जेलफ की डेकोर थीम उत्सव रखी गई है। फेस्टिवल के 16वें संस्करण में श्रोताओं का 21 भारतीय और 14 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में जुड़ाव यहां पर होने वाला है। साहित्य उत्सव में इस बार 350 स्पीकर हिस्सा लेंगे। फेस्टिवल में कई विषयों पर चर्चा की होगी। साहित्य के इस महाकुंभ में जयपुर बुक मार्क भी होगा, जिसमें दुनिया भर के प्रकाशक, लिटरेरी एजेंट, अनुवाद एजेंसी, लेखक और प्रकाशन जगत के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। 19 से 21 जनवरी तक जयपुर म्यूजिक स्टेज का भी आयोजन होगा, जिसमें नामी कलाकार प्रस्तुति देंगे। विविधता और नवीनता के लिए प्रतिबद्ध जयपुर म्यूजिक स्टेज पर गजल, जैज, रॉक और ब्लूज तक के सुर भी आपको सुनाई देंगे। तो अगर आप साहित्य प्रेमी हैं तो आपके लिए जेलफ में बहुत कुछ है, आप जाकर आ सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।